Good morning, students. Today we are going to study about the arithmetic mean, and we will do some questions based on it. Given two numbers A and B, we can insert a number capital A between them so that A, capital A, and B is an AP. And this number A, it is called the arithmetic mean of the numbers A and B. अगर हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं A और B, तो उनके बीच में हम एक ऐसा नंबर इंसर्ट कर सकते हैं जिससे ये तीनों नंबर्स एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हों. और अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं ये तीन नंबर्स, then they will satisfy the condition that the difference between consecutive terms is constant. So a minus a equal to b minus a. From here you will get a equal to a plus b divided by 2, जिसे आप arithmetic average भी कहते हैं. यार ये हमारा arithmetic mean हो गया है between two numbers a and b. और आप average भी दो numbers का ऐसे ही निकालते हैं, दोनों का सम करके डिवाइडेड बाय 2. दिस इज वन ऑफ द अर्थमेटिक मीन विच इज इंसर्टेड बिटवीन दीज टू नंबर्स. बट गिवन टू नंबर्स वी कैन इंसर्ट एज मैनी नंबर्स बिटवीन दैम एज वी विश, एंड सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन ए पी. नाउ हाउ वी विल डू दिस, लाइक लेट अस सी दैट. Suppose a1, a2 up to an are the n numbers between a and b such that a, capital A1, a2 up to an, and b is an ap. ये हमने n numbers a और b के बीच में insert करे हैं जिससे कि resulting जो sequence बनेगी हमारी वो एक ap पे हो. तो इन numbers को हम arithmetic mean कहेंगे. और ये कैसे निकाला जाएगा, चलिए उसको देखेंगे. अब हियर इन दिस सीक्वेंस बी इज एन प्लस 2th टर्म, क्योंकि एन मींस आपने इंसर्ट करे और ए एक एलिमेंट इससे पहले और है, तो बी की जो पोजीशन होगी वो हो गई एन प्लस 2th टर्म की. सो बी इक्वल टू ए प्लस n plus 2 minus 1 into d using the formula for the nth term, that is a plus n plus 1 d. From here you can find d as b minus a upon n plus 1. It means if you are inserting n means between a and b, then the common difference is b minus a divided by n plus 1. Then we can write a1. A1 is the second term, so a1 is equal to a plus small d, that is a plus b minus 1 a upon n plus 1. a2 is third term, so a2 is equal to a plus 2d, so a plus 2 b minus a upon n plus 1. Likewise a and nth term will be a plus nd, kyunki jo an hai ये n प्लस 1th टर्म है सीक्वेंस की, n प्लस 1th टर्म है. सो इट इज a प्लस एन डी, सो a प्लस एन बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1. सो लाइकवाइज वी कैन फाइंड द मीन्स, अर्थमेटिक मीन्स विच वी वॉन्ट टू इंसर्ट बिटवीन a एंड b. नाउ लेट अस डू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट. दिस इज द 14th क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 9.2. इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26 such that the resulting sequence is an AP. इन दो नंबर्स के बीच में 5 नंबर्स इंसर्ट करने हैं जिससे कि ये जो सीक्वेंस बनेगी वो एक AP हो. क्योंकि हमें 5 नंबर्स इंसर्ट करने हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स सीक्वेंस में हमारी 7 हो जाएंगी.
तो जो 26th टर्म है वो हमारी 7th टर्म होगी. सो यूजिंग द फॉर्मूला A7 इक्वल टू 26 मीन्स 8 प्लस 60 इक्वल टू 26. सो D इज इक्वल टू 26 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 3. यू कैन डायरेक्टली यू फाइंड D यूजिंग B माइनस A अपॉन N प्लस 1. N इज हेयर 5 क्योंकि आप 5 टर्म्स इंसर्ट कर रहे हैं. तो 26 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 दैट इज 6 वही आ जाएगा जो यहाँ से आ रहा है. सो D इज 3. नाउ वी कैन फाइंड A1 इज A प्लस D क्योंकि ये सेकेंड टर्म है और फर्स्ट टर्म हमारी 8 है. सो A1 इज इक्वल टू 8 प्लस 3 दैट इज 11. A2 इज थर्ड टर्म सो इट इज इक्वल टू A प्लस 2D सो इट बिकम्स 14. लाइकवाइज वी कैन फाइंड ऑल द टर्म्स अप टू A5 सिक्स्थ टर्म है हमारी. So it is A plus 5D, so it is 23. So the five numbers which we have inserted are 11, 14, 17, 20 and 23. Next one is, if AN plus BN upon AN minus 1 plus BN minus 1 is the arithmetic mean between A and B, then find the value of N. ये हमारा अर्थमेटिक मीन है ए और बी के बीच में. सो वी कैन राइट इट इक्वल टू ए प्लस बी बाय 2. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन. सो फॉर दैट वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई द इट एंड वी गेट ट्वाइस ए एन प्लस ट्वाइस बी एन इक्वल टू ए इंटू ए एन माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1 प्लस बी इंटू ए एन माइनस 1 प्लस बी एन माइनस. इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे. अब टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे ए एन और बी एन वाली टर्म को. देन इट बिकम्स ए एन प्लस बी एन इक्वल टू ए बी टू द पावर एन माइनस 1 प्लस बी ए टू द पावर एन माइनस 1. यहाँ से ए एन माइनस 1 वाली टर्म लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे और बी एन वाली टर्म राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे. एंड आफ्टर दिस टेक ए टू द पावर एन माइनस 1 कॉमन. सो फ्रॉम हेयर वी आर लेफ्ट विद ए एंड फ्रॉम हेयर वी आर लेफ्ट विद बी. सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड वी टेक बी टू द पावर एन माइनस 1 कॉमन एंड वी आर लेफ्ट विद ए माइनस बी बिकॉज बी टू द पावर एन कैन बी रिटर्न एज बी टू द पावर एन माइनस 1 इंटू बी. Since A is not equal to B, we can divide it by A minus B and we are left with A to the power N minus 1 equal to B to the power N minus 1. Transpose this on the left hand side, we get A upon B to the power N minus 1 equal to 1. अब इस 1 को भी हम A upon B की फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं as A upon B to the power 0. क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में बेस हमारा ए अपॉन बी है तो राइट हैंड साइड में भी हम उसको उसी की फॉर्म में लिखना चाहें लिखेंगे. सो व्हेन द बेस इज सेम यू कैन इक्वेट द पावर्स. सो वी गेट एन माइनस 1 इज 0 सो एन इक्वल टू 1. सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. बिटवीन 1 एंड 31 M numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP and the ratio of 7th and M minus 1th term is 5 ratio N. Find the value of M. 1 और 31 के बीच में हमें M numbers insert करने हैं जिससे कि जो sequence बने वो एक AP हो और उस sequence में 7th और M minus 1th number का रेशो 5:9 है. तो यहाँ हमें ध्यान देना है कि यहाँ 7th और m माइनस 1th नंबर की बात कर रहा है वो टर्म की बात नहीं कर रहा है. कुछ बच्चे ध्यान इसको टर्म मान लेते हैं नंबर की बजाय इसको टर्म ले लेते हैं 7th टर्म. तो
तो जो नंबर्स हम इंसर्ट कर रहे हैं उसमें से सेवेंथ नंबर और m माइनस वन नंबर की बात कर रहे हैं, हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो व्हेन यू इंसर्ट m नंबर्स बिटवीन 1 एंड 31 द टोटल टर्म्स इन द सीक्वेंस विल बी m प्लस 2। ये हमने मान लिया a1 a2 अप टू am, ये m नंबर्स इंसर्ट करे हैं हमने। नाउ d इज 31 माइनस 1 b माइनस a अपॉन m प्लस 1, सो इट इज 30 अपॉन m प्लस 1। यू कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला और यू कैन यूज दिस दैट 31 इज द m प्लस 2th टर्म, सो यूजिंग द फॉर्मूला फॉर m प्लस 2th टर्म यू कैन फाइंड d, और यू कैन डायरेक्टली यूज b माइनस a अपॉन m प्लस 1। नाउ सेवेंथ टर्म विल बी द रेशियो ऑफ ए सेवन अपॉन ए एम माइनस वन इज गिवन 5/9। तो ए सेवन इज जो ए सेवन होगा वो इस सीक्वेंस की एट्थ टर्म होगी, सो एट्थ टर्म विल बी ए प्लस 7d। इसी तरह से जो ए एम माइनस वन होगा वो सीक्वेंस की एट्थ एम मैथ टर्म होगी, इसलिए इसका फॉर्मूला हो गया ए प्लस एम माइनस 1d इक्वल टू 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी, दैट इज ए इज 1 एंड डी इज 30 अपॉन एम प्लस 1। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग एंड सॉल्विंग वी गेट एम इक्वल टू 14। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।